अस्सलामुअलैकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम इसका एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जो होगा आरएनए के ऊपर, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के ऊपर। आरएनए है क्या, आरएनए का एक्सप्रेशन में क्या रोल है, इसका फंक्शन भी क्या रोल होगा और आरएनए कितने स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे सेल में इसकी क्या कंपोजिशन है, आइए देखते हैं। आई क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है राइबोन्यूक्लिक एसिड पे, यानी कि हम बात करेंगे आरएनए की, जो कि हमारे सेल के जितने भी फंक्शंस हैं वो आरएनए के ही ताबिया होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आरएनए हमारी बॉडी में जो है कहां कहां पाया जाता है और स्पेशली सेल में जो कि बॉडी का मेन यूनिट है उसमें कहां कहां और क्या कैसी कंपोजिशन है। आज के लेक्चर में हम ना सिर्फ आरएनए की कंपोजिशन, इसकी प्लेसमेंट, बल्कि इसके फंक्शंस भी और इसकी टाइप्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो माइट भी आपको पता हो या ना पता हो। क्या आप जानते हैं डीएनए से पहले आरएनए दुनिया में अवेलेबल था, आरएनए जो है वो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका था, एग्जिस्ट करता था, फिर उसके बाद जो है डीएनए की एवोल्यूशन हुई। और नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होती है, वो आरएनए के पास होती है, यानी कि आरएनए को हम जीन भी कहते हैं और जीन के अंदर हमारे पास हमारे ट्रेट और कैरेक्टर्स जितने भी हैं वो जीन के पास होते हैं और जीन उसको एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी कैटालिटिक फंक्शंस होते हैं, यानी कि एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होते हैं, उसमें भी आरएनए बहुत सी जगह पे इन्वॉल्व होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। और फर्दर मोर आपको ये बता दूं, आरएनए का स्ट्रक्चर जो है डीएनए का बिल्कुल सिमिलर है, डिटो कॉपी है, सिर्फ फर्क है वो डबल हेलिक्स है और ये क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड का जो है स्ट्रक्चर होता है, बाकी इसके अंदर सेम न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जस्ट यहां पे यूरासिल का डिफरेंस है आरएनए में, वो हम आगे देखते हैं। फर्दर मोर ये जो हमारे पास आरएनए, इसको हम पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इसके डिफरेंट शेप्स हैं, उन शेप्स की बेस पे इसकी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं और जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी डिफरेंट केमिस्ट्री है और वो केमिस्ट्री की बेस पे इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो भी हम आपको आगे लेक्चर में बताएंगे। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ जो है आरएनए है हमारे सेल के अंदर क्या है। दिस इज द सिंपल सेल लेआउट इन फ्रंट ऑफ यू, आप देखिए इसमें आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा, इसमें आपको राइबोसोम नजर आ रहा है। ओके, सबसे पहले देखें तो हमारे पास न्यूक्लियस में, यानी कि न्यूक्लियस में हमारे पास या न्यूक्लियोलस में हमारे 10% जो है आरएनए पाया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आरएनए की होती है एमआरएनए होता है, यानी कि हम जानते हैं डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है और कहां पे बन रहा होता है, न्यूक्लियस में बन रहा होता है। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटीन भी शायद न्यूक्लियस में बनती है। नो, प्रोटीन कहां बनती है, राइबोसोम में बनती है। तो बाकी हम देखते हैं आरएनए हमारे कहां पे होते हैं, ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया में 15% हमारा जो है आरएनए पाया जाता है, जबकि अगर हम बात करें साइटोसोल की, यानी कि लाइसोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोल, बाकी ऑर्गेनेल्स की, तो वहां पे 25% हमारा आरएनए पाया जाता है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें हमारा आरएनए कहां पाया जाता है, राइबोसोम में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 50%। यहां पे जो सबसे ज्यादा आरएनए हमारा पाया जाता है वो होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए यहां पाया जाता है। तो यूं आरएनए की कंपोजिशन है हमारे सेल में डिफरेंट जगह के ऊपर। और इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस किया था, इसका स्ट्रक्चर देखिए सिंपल, आपको एक थ्रेड नजर आ रहा है, सिंगल जो है स्टैंडर्ड थ्रेड होता है। इसमें जिसकी बैकबोन है वो सिमिलरली डीएनए की तरह की शुगर और फास्फेट की होती है। ये देखिए सिंगल स्टैंड आ गया हमारे पास और जो आपको इसमें डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, जो मोती आपको ये नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि सिमिलरली डीएनए में होते हैं। जस्ट डिफरेंस है यहां पे किसका, हमारे पास यूरासिल का, यानी कि यहां पे साइटोसिन भी वही है, एडेनिन भी वही है, गवानिन भी वही है, सिर्फ यूरासिल यहां पे क्या है, डिफरेंट है। यानी कहने का मतलब है डीएनए के जो यूनिट्स हैं वही यूनिट्स हमारे पास किसके होते हैं, आरएनए के होते हैं, यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है, यानी कि आरएनए अपने ही साथ अलाइन हो सकता है और अलाइन करके उसका डुप्लेक्स बना सकता है, क्योंकि उसके पास कंप्लीमेंट्री बेसिस अगर हो तो इस तरीके से अपना जो है वो सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी कर सकता है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो हम देखते हैं आरएनए के यूजेस क्या-क्या हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के यूजेस है। प्रोटीन सेंसेस, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपके सामने सेंट्रल डॉग्मा की, यानी कि डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन यानी कि ट्रांसलेशन, तो प्रोटीन के सेंसेस भी है वो आरएनए के ही जो है ताबे होती है, आरएनए उसमें सबसे मेन प्लेयर होता है क्योंकि ये जीन्स या कोडिंग सीक्वेंस को लेके आता है। फर्दर मोर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये जीन रेगुलेशन में, तो याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो एडवांस लेवल रिसर्च होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक रिसर्च, यानी कि डीएनए से आरएनए की बनने वाली रिसर्च, उसमें जीन को रेगुलेट, जीन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया जाता है, वो भी आरएनए ही करता है। फर्दर मोर जितनी भी हमारी बॉडी में एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, यानी कि डिफरेंट किस्म के जो एंजाइम है उसमें भी एज अ प्रीकर्सर हमारा आरएनए ही यूज होता है।
फर्दरमोर जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी कि अगर आपने क्रिस्पर कैस के लिए जाना हो तो आपको डिफरेंट आरएनए की जरूरत पड़ेगी, यानी कहने का मतलब है जीन को एडिट करने में आरएनए जो एज अ कैटालिटिक रोल अदा भी करता है। यहाँ पे एवोल्यूशनरी रिसर्च की भी बात हम करेंगे क्योंकि एवोल्यूशन जो है वो लिंक करती है जीन से, करेक्टर से, ट्रेड से, और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में भी आरएनए इन्वॉल्व है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज जितनी भी डायग्नोसिस हो रही है, जितनी भी डिजीज की ट्रीटमेंट हो रही है, वो सारी के सारे रिसर्च जो है वो ट्रांसक्रिप्टोमिक यानी कि आरएनए के ऊपर हो रही है, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो एचआईवी हो, चाहे डेंगू हो, कोई भी हमारे पास जो आरएनए बेस्ड वायरस होगा, जैसे वो आपके पास अभी जो है वो कोविड की हम एग्जांपल ले लें, वो सारी के सारी ट्रीटमेंट कहां पे होती है, आरएनए की बेस पे हो रही होती है, आरएनए से डायग्नोज हो रहे हो। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो इसकी टाइप्स की बात करें, बड़े सिंपल वे में, बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसकी टाइप्स क्या है। सबसे सिंपल इसकी टाइप कौन सी है, मैसेंजर आरएनए, उसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने यहां पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं आगे इसको डिटेल जूम इन करके आपको दिखाऊंगा इसमें कोडिंग रीजन कहां पे है, 5 एंड पे क्या होता है, 3 एंड पे क्या होता है, लेकिन अभी जस्ट आप देखें कि इसमें जो इसकी टाइप्स में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए है, फिर हमारे पास क्लास स्टार्ट होती है नॉन कोडिंग आरएनए जिनको एनसीआरएनए कहते हैं, इसकी दो टाइप्स है हमारे पास, एक है होस्ट कीपिंग नॉन कोडिंग आरएनए और दूसरी हमारे पास है रेगुलेटरी नॉन कोडिंग आरएनए। होस्ट कीपिंग से मुराद है कि ये सिर्फ आरएनए के जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, और इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, जिसका स्ट्रक्चर अभी आप आगे देखते हैं। और जो थर्ड नंबर पे राइबोसोमल आरएनए जो सबसे ज्यादा मकदार में हमारे सेल में पाया जाता है, तो ये दोनों क्या है, होस्ट कीपिंग या नॉन कोडिंग आरएनए हैं। अगर हम बात करें रेगुलेटरी नॉन कोडिंग आरएनए की, तो इसमें बहुत से आरएनए हमारे पास अवेलेबल है, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए भी है और स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जो स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए में बड़े फेमस जो है कुछ मैं आरएनए आपसे डिस्कस करता हूं ताकि आपको पता हो किस तरीके से क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पाई इंटरेक्टिंग आरएनए जो कि हमारी बॉडी में डीएनए की इंटीग्रिटी को जो है लेवल पे मेंटेन करता है। और इससे आगे मूव करते हमारे पास है माइक्रो आरएनए जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन में यानी कि जीन की रेगुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और हम बात करें एसएनओ आरएनए की यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की, ये हमारे बॉडी में न्यूक्लियोटिक प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए करता है। और हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास एसआई आरएनए की यानी कि स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए की, ये आजकल एडवांस जेनेटिक जितनी भी इंजीनियरिंग उसमें इन्वॉल्व हो रहा है और ये हमारे बॉडी में जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व हो रहा है। और हम लास्ट में बात करें हमारे पास एसएनआरएनए यानी कि स्मॉल आरएनए की, और ये हमारे बॉडी में यूज हो रहा है प्री एमआरएनए की स्प्लाइसिंग में। तो यूं देखिए आपको एक ही ग्लिम्स में आरएनए की सारी टाइप्स आपके सामने पड़ी हुई हैं, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ आरएनए पे, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन प्लेयर और इसका क्या स्ट्रक्चर है, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने इसका ड्रा कर दिया है। सेंटर में प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, एक साइड पे 5 एंड है इसका और एक साइड पे 3 एंड है, यानी कि 5 यूटीआर 5 अनट्रांसलेटेड रीजन, 3 यूटीआर 3 अनट्रांसलेटेड रीजन। अब इसमें 5 एंड पे देखिए क्या है, कैप है, और कैप किसकी बनी होती है, उसमें गवानर सीन के यानी गवानीन की कैप होती है 5-5 ब्रिज के साथ, ये गवानीन है और ये फास्फेट है, तो यूं इसको गवानीन और सीन 5 फास्फेट कैप भी कहते हैं। और अगर हम आ जाएं इसके 3 एंड की तरफ तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, इसमें जो है 50-25 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड एडेड होते हैं, इसको हम कहते हैं 3 एंड पे पॉली ए टेल होती है इसके पास। और अगर हम फर्दर इसको मूव करें इसके सेंटर में ये दो जो यूटीआर रीजन्स हैं, ये इसको जो है अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं जो कि रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं जो कि इसकी जो है ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को एनहांस करते हैं। और सेंटर में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस होता है जिसको हम एक्सोन भी कहते हैं। अगर हम बात करें 5 कैप की, तो 5 कैप के दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो 5 एंड से इस आरएनए की एक्सोनिकलेज एक्टिविटी यानी इसको डिग्रेड होने से बचाती है, क्योंकि आपको मैं यहां बताता जाऊं कि हमारा एमआरएनए जो है न्यूक्लियस से निकलता है और साइटोप्लाज्म में सफर तय करता हुआ कहां जाता है, राइबोसोम में। जब न्यूक्लियस से निकलता है साइटोप्लाज्म में बहुत से जो है एंजाइम्स होते हैं अवेलेबल जो उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसकी डिग्रेडेशन को बचाने के लिए यहां पे 5 कैप लगाई जाती है ताकि आपके डीएनए इसके सेंटर में जो मैसेज है वो महफूज तरीके से जो है वो राइबोसोम तक पहुंच जाए। और फर्दर जब राइबोसोम में ये एमआरएनए पहुंचता है तो उसको वहां पे रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पे 5 कैप हेल्प करते हैं जो कि वहां का राइबोसोम का जो 16S आरएनए का रीजन होगा वो उसको वहां पे आइडेंटिफाई करेगा। और हम अगर फर्दर मूव करें तो हमारे पास जो सेंटर प्रोटीन कोडिंग है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सीक्वेंस में अगर मॉडिफिकेशन हो, ये सीक्वेंस एक्सप्रेशन हो, एकोनॉन की ऑप्टिमाइजेशन हो, सारे का सारा हमारा मैसेज कहां पे सेंटर में अवेलेबल है। पॉली ए टेल भी यही काम करती है, यानी 3 एंड से जो है वो आरएनए को डिग्रेड होने से बचाती है। तो यूं इसके भी वही दो काम है जो हमारे पास जो है काम थे 5 एंड के। ओके जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा किसका, आरएनए का, यानी कि जो सबसे ज्यादा 80% हमारे बॉडी में पाया जाता है, हमारे सेल में पाया जाता है।
और ये असेंबल फॉर्म इसको हम ATS कहते हैं यूकेरियोट्स में। और फिर जब इसको हम अनअसेंबल करें तो इसका लार्जर यूनिट वो 60S का होगा और इसका स्मॉलर यूनिट जो वो 40S का होगा। बहुत से लोग कहते हैं 60+40=200 होना चाहिए, लेकिन 100 नहीं है, क्या ATS है। जब ये असेंबल होता है इसका 20% रीजन जो ओवरलैप करता है, इसलिए हम इसको ATS कहते हैं। इसकी फर्दर टाइप्स भी है, यानी कि लार्जर यूनिट की 28SB है, 5.8SB है और इसकी 5SB है, और स्मॉलर यूनिट में सबसे फेमस जो है वो 18S है, जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म उनकी जीनोम स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम PCR में यूज करते हैं। और आप बात करें प्रोकैरियोटिक जो है वो RRNA की, तो वहां पे हमारे पास असेंबल जीन्स का 70S का है, लार्जर यूनिट्स का 50S का होगा, जबकि इसका स्मॉलर यूनिट 30S का होगा। इसमें वही बात है, 50+30=80 होना चाहिए, लेकिन 10% हमारा रीजन इसमें असेंबल होकर ओवरलैप करता है, तो इसलिए इसका जो टोटल रीजन है वो 70S कहलाता है। और इसके 50S की बात, उसमें 23S होता है, उसमें 5S होगा, और इसकी अगर स्मॉलर यूनिट के उसमें 16S होगा, जो बड़ा फेमस है बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन में, हम इसको यूज करते हैं। जो हर बैक्टीरिया हर प्रोकैरियोट्स में 16S जरूर होगा, उससे आप उस बैक्टीरिया को जीनस लेवल पे स्पीशी लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय PCR। क्यों हमारे पास ये राइबोसोमल की जो असेंबली उसमें इन्वॉल्व होता है, और फिर हमारे पास पेप्टाइड ट्रांसफरेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, यानी कि कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करता है mRNA की बाइंडिंग कराता है राइबोसोम में, ताकि वहां पे tRNA आके उसके साथ अमीनो एसिड को अटैच कर सके। आइए देखते हैं tRNA हमारा काम कैसे करता है, जो कि हमारी बॉडी में जो सेल पाया तो उसमें 15% जो है वो क्या tRNA। बड़ा सिंपल सा इसका एक स्ट्रक्चर है, जिसमें डिफरेंट टाइप के इसके आर्म्स हैं, इसका 5 एंड आपको नजर आ रहा होगा, इसका 3 एंड नजर आ रहा है आपको, और इसको हम क्या कहते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहते हैं, यानी कि 3 एंड पे हमारे पास क्या होता है, यहां पे अमीनो एसिड आके अटैच होते हैं, और इसको एक्सेप्टर स्टेम भी कहते हैं। तो हमारे पास ये कोड फॉर अमीनो एसिड साइज भी होता है। और इसके बाद हमारे पास इसका डी आर्म है, डी आर्म हमारे इसका क्या करता है, ये एक्ट एज इग्निशन साइट करता है अमीनो एसिड tRNA सिंथेसिस, यानी कि tRNA को सेल से उठाकर यहां पे लगाने में हेल्प आउट करता है। और आगे अगर मूव करें हमारे पास टी आर्म है, और टी आर्म हमारे पास क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है राइबोसोम को tRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स के लिए, यानी कि साइट प्रोवाइड करता है, और बीच में ये छोटा सा रीजन वेरिएबल आर्म है, और ये वेरिएबल आर्म क्या करता है, ये 20 न्यूक्लियोटाइड का रीजन होता है, और ये जो ATS रिकॉग्निशन साइट ऑफ tRNA को अटैच करने में ये रोल अदा करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एंटीकोडान आर्म, जो आप बड़े फेमस तरीके से जानते हैं हमारा मैसेंजर आरएनए में जो कोडान होते हैं उसका एंटीकोडान, यानी कि उसके अपोजिट जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को हम एंटीकोडान कहते हैं। मैसेंजर आरएनए को यहां पर रीड करता है एंटीकोडान, और आगे ये मैसेज देता है हमारे पास किसको, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज को, और वहां tRNA जो है एक खास अमीनो एसिड, यानी कि अगर यहां पे AUG है तो यहां पे अमीनो एसिड अटैच होगा मैथियोनिन। तो यूं इस तरीके से ये सारा सर्कल चलता है। जब हम सेंट्रल डॉग्मा डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल और इन डेप्थ आपसे ये सारा लेक्चर वहां पे भी डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन और इससे सिंपल वे में जो है कोई और तरीका नहीं हो सकता आपको आरएनए को समझाने के लिए। गुड लक योर जर्नी विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।